नाम सुने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर उनके बड़े परिवार से लेके बीपी और बीपी मंडल से लेके सभी के, सभी ने समाज में कुछ ना कुछ योगदान दिया है, लेकिन उस योगदान को जो लागू किया है कहें उसको हकीकत के तौर से उतारा है वो माननीय भूपेश बघेल जी ने उतारा है। मैं लखनऊ से लखनऊ यूनिवर्सिटी में संपर्क में रहता हूं, जैसे पता चला है प्रोग्राम होने वाला है, आप सोचिए कितना बड़ा कदम है जो आज इस ब्राह्मणवादी मानसिकता से भरपूर इस समय, चाहे वो मीडिया हो, फ्रंटलाइन मीडिया हो, और चाहे इस देश के जो नेतागण हैं, जो इस मानसिकता और मनुवादी मानसिकता है उससे ग्रसित हैं, उसके बीच में ऐसा कदम, ऐसा महत्वपूर्ण कदम जो आरक्षण बढ़ाने की एक घोषणा करता है और उसको लागू करता है, ऐसे शख्स को मैं अपनी दृष्टि से बीपी मंडल जी के समक्ष और उनके उसी लिस्ट में मैं शामिल करना चाहूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे आज आरक्षण को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खत्म किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है और यह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वक्ता बहुत है, कहना बहुत चाहते हैं और सभी लोग एक दूसरे को सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, और समूह जी की एक बात मुझे बार बार याद आती रहती है कि सोशल मीडिया एक बहुत जनों का मीडिया है, और ये बात बहुत हद तक सही भी है। लास्ट में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा एक मैसेज के साथ कि हमारा पानी उतर गया है तो किनारे पे घर मत बना लेना, हमारा पानी उतर गया है तो किनारे पे घर मत बना लेना, हम वो समुंदर हैं जो लौट के जरूर आएंगे। तो दोस्तों, हम वो भोजन हैं, हम वो प्रतीक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश की वो आवाज है जो जब पलटेगा तो ब्राह्मणवाद कभी दिखाई नहीं देगा। आप लोग ये मत सोचिए कि सभी मीडिया घरानों में और इस देश के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों से लेके संस्थाओं में कब्जा कर लिया है तो ये देश आपका हो गया और आप जैसे देश को चाहेंगे वैसे चलाएंगे। नहीं, बाबा साहब बीपी मंडल लोहिया जी की प्रेरणा से कुछ हर जगह मीडिया में, विश्वविद्यालयों में पहुंच गए हैं, जो अपनी आवाज उठाते हैं अपने अपने ढंग से, और इस आवाजों को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे सभी साथियों को मैं शुक्रिया एक बार पुनः सबका धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, मुझे यहाँ मौका देने के लिए सबको फिर आभार, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।